हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है हम ये भी पता करते हैं। आपको पता होगा जो हमारे प्राइस होते हैं किसी भी गुड्स के, लेट सपोज ये हमारा पेन है, इसके प्राइस अगर हमारे ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, तो उसकी डिमांड क्या है गुड्स की, इस पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें ये चेक करना है हमारे प्राइस कितने इंक्रीज होने से हमारी डिमांड में कितना डिक्रीज हो रहा है। तो इस चेंज को फाइंड करने के लिए इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिक होता है, लाइक इलास्टिक को आप कितना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वही हमें बताना पड़ेगा कि कितना हमारे प्राइस बढ़ने पर हमारी डिमांड में कितना डिक्रीज हुआ है, या फिर हमारे प्राइस डिक्रीज होने पर कितनी हमारी डिमांड में इंक्रीज हुआ है। क्लियर? ये चीज़ हमें फाइंड करनी होगी, इसी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम कितने फॉर्मूलाज से हम फाइंड कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से। किससे डिनोट करते हैं? ईडी से। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होता है इनके बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? माइनस चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इन टू में पी अपॉन क्यू। अब ये कहेंगे, आप ये सोचेंगे ये होता क्या है, तो चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है ये आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आपके प्राइस सपोज कीजिए, पहले आपके प्राइस 10 थे, ठीक है, आप डिमांड कर रहे थे किसी भी गुड्स की 100 यूनिट। लाइक आपका एक पेन था 10 रुपीज का था, तो आप 100 लेते थे। जैसे ही इस पेन के प्राइस क्या हो गए, बढ़कर 15 हो गए, तो आपने डिमांड कितनी कर दी? आपकी डिमांड हो गई 80 यूनिट, यानी कि आप 80 पेन परचेज करने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो ये था प्राइस, पहले ओरिजिनल प्राइस हमारे पी, दिस इज ओरिजिनल क्वान्टिटी क्यू, दिस इज न्यू प्राइस पी वन, दिस इज न्यू क्वान्टिटी क्यू वन। अब आपको ये देखना है कितना हमारा क्वान्टिटी में चेंज हुआ है, क्वान्टिटी में कितना चेंज हुआ है? -20, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो फोल हुई है। तो हम क्या करेंगे, Q1 माइनस क्यू, दिस इज चेंज इन क्यू, इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेंज इन पी कैसे फाइंड करेंगे, अब आप जल्दी से बता सकते हैं, मैम दिस इज वेरी इजी, इसको हम फाइंड करेंगे P1 माइनस पी, यानी कि 15 माइनस 10, 5 रुपीज़ हमारे इंक्रीज हुए हैं प्राइस में। पी दिस इज ओरिजिनल प्राइस, क्यू दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, इज दैट ओके? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका बहुत ईजी कवर अप हो जाएगा। अब इसको हम एक परसेंटेज मेथड से भी करते हैं। अगर हम चेक करते हैं परसेंटेज मेथड से कैसे हम इलास्टिक डिमांड फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना आपके प्राइस में चेंज हुआ है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे करेंगे हम, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा, लाइक आपको गिवन है क्वेश्चन में एग्जांपल, आपको कहा गया है कि आपके प्राइस जो है, आपको कहा गया है क्वांटिटी डिमांड में 20% चेंज हुआ है और प्राइस में आपका 10% चेंज हुआ है, तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे, 2 आ गया आपका ईडी, इज दैट ओके? तो ऐसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।